वायरल वीडियो के साथ, हाथ में है गुब्बारा और इसको अब इसमें डालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो ये इसके अंदर नहीं जा रहा है। तो अभी कुछ ऐसा साइंस लगाएंगे कि अंदर ये जाएगा थोड़ा। तो चलिए अभी इस गुब्बारे को डालेंगे हम लोग और कोशिश करते हैं, तो कुछ तो हो नहीं रहा है और यहाँ तक कि गुब्बारा फूट चुका है। आप दूसरा गुब्बारा, साइंस वाला गुब्बारा डालेंगे कि काम बने। चलिए यहाँ पे प्रेम जी कपूर को आग लगा रहे हैं और ये लग चुका है, अभी से डिब्बे के अंदर डाल दें। काफी सावधानी पूर्वक, यहाँ पे काफी बहादुर है प्रेम जी। तो चलिए आप थोड़ा साइंस वाला, इसमें देखिए हमने थोड़ा पानी डाल रखा है, अब इसको हम लोग इसके अंदर डालेंगे और क्या गुब्बारा अंदर जाएगा ये देखने वाली बात है। अभी तो नहीं जा रहा है, तो देखिए पूरा गुब्बारा तो अंदर नहीं गया है लेकिन काफी हद तक गुब्बारा अंदर जा चुका है। और इतना अंदर जाना थोड़ा तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, शायद इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और हम लोग को कपूर थोड़ा ज्यादा बड़ा लेना होगा और गुब्बारे का साइज थोड़ा छोटा। चलिए थोड़ा और कोशिश करते हैं। लेकिन ये लीजिए, लगता है यार ये प्रैक्टिकल होकर रहेगा। प्रेम जी थोड़ा दम, चलिए बहुत है, आधा गुब्बारा अंदर जा चुका है, पहले तो बिल्कुल नहीं जा रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ, आइए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। दरअसल जब हमने कपूर को जलाया था तो जलने के कारण अंदर का हवा गर्म हो गया था, गर्म होने की वजह से जो वायु दाब है अंदर का वो कम हो गया था और बाहर का वायु दाब ज्यादा हो गया था। दाब बढ़ने के कारण ये गुब्बारा जो शुरू में नहीं जा रहा था वो बाद में आसानी से अंदर जाने लगा।